दिस पार्टिकुलर थिंग दैट इज व्हाट की अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट। सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? जा रही लेकिन बहुत स्लो आ रही है। सर आवाज जा रही लेकिन बहुत स्लो जा रही है। नाउ आर यू गेटिंग? बहुत स्लो आ रही है। ओके, लेट मी रेज द वॉल्यूम ऑफ माय मोबाइल। वॉल्यूम तो फुल है। अब जा रही है? हेलो, जी सर। अब प्रॉपर वे में जा रही है? ओके, आई वॉज टेलिंग यू कि इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर द वॉइस इज नॉट। लेट मी नो आर यू गेटिंग माय वॉइस। हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर वेरी वॉइस इज वेरी स्लो। वॉइस इज वेरी स्लो। अगर देखिए मेरी आवाज जा रही हो तो आज आप लोग इस टीचमेंट ऐप पे ना आ करके यू ऑल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्किंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या ओके सर, क्लियर आ रहे। आवाज अगर सबको जा रही हो, सबको जा रही है आवाज? यस सर। इफ यू यस ऑल, सर आवाज तो आ रही है बट ठीक है, अगर अगर आवाज जा रही है तो यू ऑल हैव टू स्टे हियर और हम लोग उसी चीज को लेके बात करेंगे। सबसे पहला चीज की एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इन मॉर्निंग सेशन वी हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इन मॉर्निंग सेशन में हमने ज्यादातर चीजें कर ली हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पॉइंट्स को लेकर के हम बात करेंगे, खास करके चार्ल्स लैम को लेकर के बात करेंगे। उनको लेकर के हमने कुछ पहले भी पॉइंट्स बताए हुए थे। लैम्ब एक ऐसे आथर थे जो डिस्कस कम हुए थे। कुछ पॉइंट्स आई हैव गॉन, मैं उसी पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट चार्ल्स लैम्ब ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि लैम्ब वॉज अ रोमांटिक एसेइस्ट, मीन्स एज एन एसेइस्ट ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। जब आप लैम्ब को लेके बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस एज से बिलोंग करते हैं, वह रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। एंड वट वॉज द डेट ऑफ द रोमांटिक एज फ्रॉम 1798 टू 1837। जो रोमांटिक एज का डेट रहा है वो 1798 से लेकर 1837 ईस्वी तक का पीरियड रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लैम एज एन एसेइस्ट। जो चार्ल्स लैम है वो एज एन एसेइस्ट किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। एंड वट इज द डेट ऑफ रोमांटिक एज फ्रॉम 1798 टू 1837। 1798 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। नंबर टू पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर एज, व्हेन यू टॉक अबाउट रोमांटिक एरा और रोमांटिक एज, तो उसमें जो है जो रोमांटिक एज रहा है इट वॉज द रिमार्केबल एज ऑफ वर्ल्ड, या इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री, या पोइट्री का गोल्डन एज था। लेकिन ऐसे में भी कुछ काम हुआ है, ऐसे में जो काम हुआ है उनमें से एक नाम चार्ल्स लैम्ब है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको टाइटल दिया गया प्रिंस एमंग एसेइस्ट।
may I know कि what lamb has been called? लैम को क्या नाम दिया गया है, क्या टाइटल दिया गया है? प्रिंस ऑफ पीस। प्रिंस एमंग एसेस, नॉट ऑफ बट एमंग। चार्ल्स लैम को क्या कहा गया? प्रिंस एमंग एसेस। और ये जो टाइटल दिया गया प्रिंस एमंग एसेस, यह टाइटल किसने दिया? प्रिंस वॉकर ने दिया। किसने दिया? डब्ल्यू जे लॉन्ग। लॉन्ग यह एक टाइटल है, और यह टाइटल किसने दिया है? ह्यूज वॉकर ने दिया है। किसको दिया है? चार्ल्स लैम को दिया है। एंड अदर पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर कि लैम वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ एस टी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। लैम जो थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के वो कंटेम्प्रेरी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू गो व्हेन वी टॉक अबाउट लैम, व्हेन वी टॉक अबाउट हिज इरा, देन रिमेंबर दैट ही वॉज बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली। लैम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वह पुअर फैमिली थी, वह गरीब फैमिली थी, वो बहुत गुरबत भरी भरी जिंदगी गुजारे हुए हैं। He did not have money, उनके पास पैसा नहीं था कि वो जो है बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ सके। But you will come to know कि चार्ल्स लैम्ब को, या लैम्ब वॉज हेल्प्ड बाई हूम? लैम्ब वॉज हेल्प्ड बाई एस टी कॉलेज। एस टी कॉलेज ने लैम्ब की बहुत मदद की भी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लैम्ब को एज एन एसेस्ट बात करते हैं, तो आपको ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि लैम्ब जो जिस तरह के एसेस्ट थे वो कैसे एसेस्ट थे? रोमांटिक एसेस्ट थे। रोमांटिक एसेस्ट इन द सेंस दैट कि इन द एसेस ऑफ लैम्ब वी फाइंड सब्जेक्टिविटी एंड पर्सनैलिटी। लैम्ब के एसे में हमें क्या देखने को मिलता है? सब्जेक्टिविटी एंड पर्सनैलिटी। मे आई नो कि अगर कोई किसी के ऐसे में सब्जेक्टिविटी या पर्सनालिटी देखने को मिलती है तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इफ यू इनफॉर्मल एसेस्ट या दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। हमें ध्यान में रखना है कि जब आप किसी भी एसेस्ट के ऐसे में सब्जेक्टिविटी और पर्सनालिटी पाते हैं, it means that he talks about himself, he talks about his friends, he talks about his family members, it means that he is not a formal essayist, balki wa kya hai, he is a informal essayist, wa kaise essayist hai, informal essayist hai. And when you talk about Lamb as an informal essayist, it means that he had impact of whom, he had impact of Montaigne. मॉन्टेन ने भी जो ऐसे लिखा है वह ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उसमें है, और वे जो है इम्पर्सनल एसेस्ट रहे हैं। द सेम थिंग वी फाइंड देयर आल्सो, यही चीज हम यहाँ पर भी देखते हैं। तो इम्पर्सनल एसेस्ट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, टॉक्स अबाउट हिज फैमिली मेम्बर्स। और जो इम्पर्सनल एसेस्ट होता है, इम्पर्सनल एसेस्ट बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड नॉट अ टीचर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर लैम्ब इम्पर्सनल एसेस्ट है तो, सॉरी नॉट इम्पर्सनल बट पर्सनल एसेस्ट, लैम्ब वाज़ द पर्सनल एसेस्ट, देयर वाज़ द सब्जेक्टिविटी आर इनफॉर्मल एसेस्ट। अगर लैम्ब जो है पर्सनल एसेस्ट थे या इनफॉर्मल एसेस्ट थे, तो फॉर्मल एसेस्ट कौन था? हु वाज़ द फ्रांसिस बेकन? सर फ्रैंकिस बेकन। Francis Bacon was what? Francis Bacon was formal essayist. And when you talk about formal essayist, you know it very well कि formal essay में क्या होगा? Objectivity होगी, impersonality होगी, और वहाँ पर जो है article नुमा में कोई चीज लिखा जाता है। जो भी formal essayist होता है वह intimacy नहीं रखता किसके साथ? Reader के साथ। वह अपनी personal चीजें reader के साथ नहीं share करता, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें एक तरह का टीचिंग होता है। दिस थिंग वी फाइंड। और जो फॉर्मल एसे होता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं, और फॉर्मल एसे के सबसे बड़े एसेइस्ट कौन रहे हैं? दैट वाज
फ्रांसिस बेकन इन एलिजाबेथन एज, जिन्होंने 58 एसेज लिखा जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश होता है। अब अगर आप फॉर्मल एसेज की बात करते हैं, फॉर्मल एसेज की जो फॉर्मल एसेइस्ट है, जो फॉर्मल एसेइस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मल एसेइस्ट की चीजें हैं, इफ यू टेक फॉर्मल एसेइस्ट, इफ यू टॉक अबाउट फॉर्मल एसेइस्ट, यू विल कम टू नो देयर आर सर्टेन ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ खूबसूरत चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि फॉर्मल एसेइस्ट क्या करता है। राइटर के साथ, सॉरी राइटर जो फॉर्मल एसेइस्ट का होगा वह रीडर के साथ इंटीमेसी नहीं करता, नो इंटीमेसी, कोई भी इंटीमेसी नहीं होगा किसका, रीडर का, किसके साथ, राइटर के साथ। राइटर कैसे बिहेव करेगा, राइटर विल बिहेव एज एन इंस्ट्रक्टर, राइटर विल बिहेव एज अ टीचर, राइटर विल कीप या मेंटेन अ डिस्टेंस विद हुम, विद द रीडर। ही विल नॉट ट्रीट रीडर एज अ फ्रेंड, वह रीडर को फ्रेंड के रूप में नहीं वो करेगा। ही विल नॉट शेयर द पर्सनल थिंग्स, ही विल नॉट शेयर द एनीथिंग एसोसिएटेड विद हिज फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स, बट हाउ विल ही विल इंस्ट्रक्ट यू, ही विल टीच यू दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टू फॉलो दैट राइटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि जब भी लैम्ब की बात होगी, बेकन उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब तक लैम्ब और बेकन में कंपरेटिव स्टडी नहीं होगा हम लैम्ब को नहीं समझ सकते हैं। बेकन की जब आप बात करते हैं तो बेकन आपके फॉर्मल एसेइस्ट हैं, बेकन के ऐसे में ऑब्जेक्टिविटी है, बेकन जो है रीडर के साथ इंटीमेसी नहीं करते, फ्रेंडशिप नहीं करते, पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ बताते नहीं हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं बात करते हैं, बल्कि वह जो है एक टीचर जैसा बिहेव करते हैं, इंस्ट्रक्टर जैसा बिहेव करते हैं, गुड और बैड के बारे में बताते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली द पीपल आर मेंटली प्रिपेयर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मैन। लेकिन जब आप जो है लैम्ब की बात करेंगे तो बेकन के कई सौ साल बाद लैम्ब आते हैं, एंड ही कम्स इन द एज ऑफ होम, इन द एज ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की एज में आते हैं, जो कि गोल्डन एज ऑफ पोइट्री था। और पोइट्री में भी कौन सी पोयम, लिरिक लिखी गई, सोनेट लिखा गया, ओड लिखा गया, मतलब सब्जेक्टिव पोयम से लिखी गई है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री की बात करते हैं, जब आप सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री को लेकर के चलते हैं, देन यू विल कम टू नो कि ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोयम रहा है उसी का असर हमें उस समय के प्रोज पर भी देखने को मिलेगा। और स्पेशली या किसके उसमें मिलेगा, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने अपने एसेज में ऐसा नहीं कि ही हैज टोल्ड अबाउट द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, कि वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात किए हों या और किसी वार को लेकर के बात किए हों, नो नॉट एट ऑल, उन्होंने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को लेकर नहीं बात किया हुआ है, बल्कि उन्होंने क्या टॉपिक चुना है, अपनी ज़िंदगी, अपने मिलने वाले लोगों, जो उनके दोस्त अहबाब, जो उनके अपने फैमिली मेंबर्स रहे, जो उनका अपना एक तरह से वर्किंग प्लेस रहा है, वहाँ के लोगों को ही पिक्ड अप, ही टू एंड टोल्ड अबाउट हिम, और उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो लैम्ब एज एन एसेइस्ट क्या है, इनफॉर्मल एसेइस्ट है, उनके ऐसे में सब्जेक्टिविटी है, उनके ऐसे में आपका पर्सनालिटी है, उनके ऐसे में किसके बारे में जानकारी मिलती है, खुद लैम्ब की ज़िंदगी के बारे में, उनके फैमिली मेंबर्स। जब आप उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी बिलव्ड एलिस डब्ल्यू एन, उनके अपने टू इमेजिनरी चिल्ड्रेन, उनकी मदर, उनकी जो सिस्टर थी जो एक तरह से मैड हो चुकी थी, पागल हो गई थी, शी वाज इन द स्टेट ऑफ मैडनेस, इन द कंडीशन ऑफ मैडनेस, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये खूबसूरत जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, उनके ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन में। तो लैम्ब जो है क्या करते हैं, दोस्त जैसा बिहेव करते हैं, लैम्ब जो है क्या करते हैं, इंटीमेसी करते हैं विद द रीडर, लैम्ब शेयर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड हिज ओन थिंग्स रिलेटेड टू हिज ओन लाइफ, फैमिली मेंबर्स और लोगों से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको वो शेयर करते हैं, उस पर वो बात करते हैं, स्पेशली आपका ड्रीम चिल्ड्रन को लेकर के। उनमें उन्होंने दादी फील्ड के बारे में बात किया हुआ है, उन्होंने जो है आप देखेंगे कि एलिस डब्ल्यू एन अपनी बिलव्ड के बारे में, अपने यंगर ब्रदर जॉन लैम्ब के बारे में बात किया है, उन्होंने कॉलेज को भी लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी जो मिलने जुलने वाले लोग रहे हैं उनके बारे में वो बात करते हैं।
उनका एक और फेमस ऐसे है कन्वालिसेंट। कन्वालिसेंट में वो अपने आप को एक पेशेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि जब एक पेशेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो पेशेंट एक तरह से राजकुमार बन जाता है या राजा जैसा बन जाता है। तमाम लोग उसके जो है हालचाल लेने के लिए, तमाम लोग। तो ये एक ऐसा ऐसे है जो खुद अपने लाइफ पर है, लेकिन उन्होंने एक कॉमन पॉइंट बनाने की कोशिश की है कि व्हेन अ पर्सन बिकम सिक, हाउ द फैमिली मेम्बर्स आर रेडी टू हेल्प हिम। जो सिख होता है वह किंग जैसा बिहेव करता है और सारे लोग उसके जो मिलने जुलने वाले होते हैं, दे बिहेव लाइक अ, उसको जो है दे ट्रीट दैट सिख पर्सन एज अ किंग। ये बात उन्होंने कहाँ बताई, कन्वालिसेंट में बताई है। उनका एक ऐसे 530 years एगो क्राइस्ट हॉस्पिटल आज दिस सिंस यू विल कम टू नो, जिसमें उन्होंने जीसस, जिसमें उन्होंने कॉलेज के बारे में और अपनी स्कूल डेज के बारे में उन्होंने बात किया हुआ है। इसके अलावा लैम्ब ने जो ऐसे लिखा हुआ है वह ऐसे ला इलिया के नाम से लिखा हुआ है। उनका जो कलेक्शन ऑफ द एसेज आया है, इलिया, इलिया उनका निक नेम रहा है। सो वेन यू टेक, इसके अलावा अ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उनका वर्क रहा है जो उन्होंने अपनी सिस्टर से के साथ लेकर के साथ मिलकर लिखा था। सम अदर थिंग्स यू आल्सो फाइंड दैट। तो इस क्लास में बहुत ज़्यादा हम नहीं बात कर रहे, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर बात करें कि अगर आज आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आवाज क्या मेरी नहीं जा रही क्या, समवन परहैप्स पोस्टेड की आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर क्लियर आवाज जा रही ना, अच्छा क्लियर, ओके ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि इफ आई गिव यू अ टास्क, अगर मैं आज आपको टास्क देता हूं तो मेरा टास्क यही रहेगा कि आपको लैम्ब एज एन ऑथर जो किताब में दिया गया है उसको आप अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा। उसको कवर करने का एक फायदा ये होगा कि अगर मैं मॉर्निंग सेशन और चलाता हूँ तो मैं मॉर्निंग सेशन में आथर को लेकर के अब मैं सुनने का काम करूँगा। वैसे मॉर्निंग सेशन में मेरे पास अब कुछ नहीं है केवल सुनने के अलावा। तो एक वर्क का जो असाइनमेंट है वो आपको क्या दिया जा रहा है, आपको लैम्ब ही सबसे पहले मैं दे दे रहा हूँ। जो लोग PGT से जुड़े हुए हैं, इफ आई टेक क्लास एनी क्लास इन मॉर्निंग सेशन तो श्योरली एंड सर्टेनली आई वुड लाइक टू गो विद आथर्स। चूँकि और जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म है, वो शाम वाले में हो जा रहा है, तो आथर एक बार दोबारा हम बात कर सकते हैं, एक रिवीजन का काम कर सकते हैं। तो लैम्ब को लेकर के आज आपको देखना है कि लैम्ब के क्या वर्क रहे हैं, अ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्या रहा है, उसमें जो स्टोरीज हैं उनकी स्टोरीज ट्रेजिडी से, शेक्सपियर की जो ट्रेजिक स्टोरीज हैं, जो कॉमिक स्टोरीज हैं उसको किसने लिखा, उनकी बहन ने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, एसेज ऑफ इलिया क्या रहा है, लैम्ब एज एन एसेइस्ट कैसे फेमस रहे, उनको जो है प्रिंस एमंग एसेइस्ट क्यों कहा गया, ह्यूज वॉकर ने टाइटल क्यों दिया, उनके अपने संबंध वर्सवर्थ से कैसे थे, उनके अपने संबंध जो है कॉलेज से कैसे थे, ये सारी चीज़ें आप वर्सवर्थ को या कॉलेज को लेकर के आपको बात करनी चाहिए लैम्ब, स्पेशली लैम्ब के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब आप लैम्ब की बात करते हैं तो लैम्ब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लैम्ब ने अपनी दिल की आवाज़ को, जब उनके दिल में जो चल रहा था वो उन्होंने लोगों के बीच लाए हैं। उन्होंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की कि मेरी कोई बिलव्ड थी, मैं चाहता था मेरी शादी हो जाए, नहीं हो पाई, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था, कॉलेज ने मेरी ये हेल्प की, उन्होंने कभी इन सब चीज़ों को जो छुपाया नहीं, खुल करके उन्होंने बात किया। चूँकि वो रीडर को अपना दोस्त मानते थे उनके साथ उन्होंने कोई चीज़ कंसील नहीं किया, हाइड नहीं किया। उनके ऐसे में इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन की जगह एक तरह का रिक्वेस्ट है कि मेरी ज़िंदगी को समझिए, मेरे प्रॉब्लम को समझिए, मेरे उन आंसुओं को, उन गमों को, उन दर्द का आप क्या करिए, आप हिस्सा बनिए, उसका एक साझी बनिए और हमारे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सच अपील यू फाइंड इन इज ऐसे। उनके ऐसे को प्रोज पोएटिक ऐसे कहा गया, यह एक टेक्निकल वर्ड है। उनके ऐसे को प्रोज पोएटिक ऐसे क्यों कहा गया, क्योंकि उनके ऐसे में पोएटिक जो क्वालिटीज़ है, जो पोइट्री की खासियत है, इमोशन, फीलिंग्स, सब्जेक्टिविटी, अनलॉकिंग ऑफ हार्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वॉइस ऑफ हार्ट, वॉइस ऑफ सोल, ये सारी चीज़ें हमें उनके ऐसे में देखने को मिलता है। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, इसीलिए हम उनके ऐसे को प्रोज पोएटिक ऐसे कहते हैं। उनके ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए, उनके ऐसे उनकी खुद की जीवन की कहानी है, उनके ऐसे उन लोगों की कहानी है जो उनको मिले हुए हैं, जो उनको साथ दिए हुए हैं। तो यू विल कम टू नो कि जो उनका ऐसे है वह उन लोगों के जीवन की कहानी, उन लोगों के बारे में है जिनसे वे मिले हुए हैं, जिनके साथ रहे हुए वहाँ पर चीज़ें रही हैं। उन्होंने कभी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को लेकर के बात नहीं किया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल सिचुएशन, नो नॉट एट ऑल, ही वॉज अनटच्ड ऑफ दीज थिंग।
हाँ ये चीज जरूर देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो यूज की है वो सिंपल है, लिविड है, और ज्यादातर स्टोरी फॉर्म में उन्होंने बताने की कोशिश की है। ड्रीम चिल्ड्रन में अगर दादी के बारे में वो बताते हैं तो ऐसा लगता है कोई कहानी दादी के बारे में चल रही है। अगर अपने छोटे भाई जान लैम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी लगता है कोई कहानी चल रही है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड मोस्ट प्रोबेबली ही यूज इन हिज एसेज। जब वो एक बीमार आदमी जो हो जाता है तो उसकी कैसे लोग सेवा करते हैं, कन्वालिसेंट ऐसे में उन्होंने खूबसूरत ढंग से उसको नरेट किया, बताया हुआ है कि हाउ द पीपल कम एंड सर एंड गिव द ब्यूटीफुल कंपनी टू द पर्सन हु इज सिक, जो बीमार हो जाता है उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। उन्होंने अपनी दोस्ती का भी हवाला दिया अपने ऐसे इसमें, खास करके जो है कॉलेज को लेकर के। तो अगर आप देखेंगे ये चीज़ें लैब के ऐसे की और खासियत नहीं, खासकर उनका जो ड्रीम चिल्ड्रेन है वह रेवरी REVRIE, रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, जो दिन में देखा गया ख्वाब होता है, एलिगोरिकल या एलिगोरिकल ड्रीम जैसा होता है। उसमें जो राइटर फॉल्स अस्लीप और वह देखता है कि उसकी शादी हो गई है और उसके दो बच्चे हैं, वह उनके बारे में भी कहानी बताता है। तो इस तरह का जो चीजें देखी जाती है जो बताता है उसको क्या कहा जाता है, उसको रेवरी कहा जाता है। So what I want to tell you, you will come to know about these things. आप इन aspects को लेकर के बात अगर करेंगे, इन aspect को अगर आप देखेंगे तो आपको life में interest जागेगा। लेकिन life में interest जागने का केवल एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो lamb है वह वही है जो माउंटेन फ्रांस में थे। माउंटेन जो थे उन्होंने फ्रांस में अपने बारे में लिखा, उनको क्या कहते हैं कि फादर ऑफ ऐसे कहा गया, लैम को प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा गया। इंग्लैंड में या इंग्लिश लैंग्वेज में लैम ने अपने बारे में, अपनी मिलने जुलने बातों लोगों को बारे में लिखा, तो उनके ऐसे में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नजर आएगा। आप उनकी तुलना किससे कर सकते हैं, बेकन से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो फादर आप ऐसे हैं माउंटेन है जिन्होंने पर्सनल ऐसे लिखा है, हम उनकी तुलना उनसे कर सकते हैं, वहाँ तक हम जा सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा चीज़ है कि जब आप एसेइस्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉमन सा पॉइंट था, और उनका अपना कुछ और वर्क भी है जो एक तरह से क्रिटिकल एसेज को भी लेकर के रहा, खास करके शेक्सपियर के ऊपर उन्होंने बात किया, क्या किया उनकी सिस्टर ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में क्या बात किया है, कुछ और भी छोटे मोटे वर्क आपको उनके मिलेंगे। लेकिन आपको जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे जो प्रोज राइटर में लैम दिए गए हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कब पैदा हुए, कब मरे, क्या एज रहा, मैं सब उसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल स्टडी आपको वहाँ से आज कवर करना है ताकि अगर कल मैं लैम को लेकर के सुनूँ तो कोई एक्सक्यूज ना रहे। चूंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग इन द इवनिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स, लेकिन आथर मुझे लगता है कि एक बार अगर और बात हो जाएगी तो हमें आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने में। तो मॉर्निंग में हम आथर की इस क्लास को कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा चीज़ एक चीज़ है कि केवल रोमांटिक एज में यही एसेज थे, नो, इसके अलावा एक और एसेज थे जिनका नाम था जो है थॉमस डी क्विंजी, जिन्होंने लिटरेचर को लेकर बात की और उन्होंने बताया कि लिटरेचर दो तरह का होता है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज, लिटरेचर ऑफ पावर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस आदमी ने या किस एसेइस्ट ने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा है, उनका क्या नाम है, थॉमस डी क्विंजी डिवाइडेड लिटरेचर इंटू टू पार्ट, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। लिटरेचर ऑफ नॉलेज में फैक्ट होता है, लिटरेचर ऑफ पावर में फिक्शन होता है। ये बात किसने कही है, थॉमस डी क्विंजी ने कही है, जो कंटेम्प्रेरी थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे, लैम के कंटेम्प्रेरी थे। इसके अलावा जब आप एसे को लेके बात करेंगे तो कुछ जो क्रिटिकल एसेज लिखे गए जिनमें से एक नाम विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बायोग्राफिया लिटर या प्रीफेस टू प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो 1800 ईस्वी में आता है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक डिक्शन के बारे में बात किया, रस्टिक लैंग्वेज के बारे में बात किया, और उन्होंने कहा पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोइट्री इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये बात उन्होंने कहाँ पे किया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में किया, जो कब आता है, 1800 ईस्वी में आता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब ऐसे के अलावा क्रिटिकल एसेज रहे। क्रिटिकल एसेज में एक नाम विलियम वर्ड्सवर्थ का है, जो उन्होंने पोइट्री को पोएट को लेके बात किया, उन्होंने कहा पोइट्री इज द इमेज ऑफ माइंड एंड नेचर, पोइट्री इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उन्होंने पोइटिक डिक्शन के बारे में बात किया, रस्टिक लैंग्वेज के बारे में बात किया, रस्टिक पीपल के बारे में बात किया, और एक चीज़ उन्होंने बताया कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री एक्सेप्ट मीटर,
प्रोज और पोइट्री में कोई खास अंतर नहीं है, पोइट्री मीटर में होती है और प्रोज बगैर मीटर के होता है। ये बात किसने कही? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ प्रोज में वर्क और किसने किया हुआ है, एच टी कॉलिन्स ने किया। एच टी कॉलिन्स ने एक किताब लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 ईस्वी में आता है, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, इमेजिनेशन और फैंसी का। इमेजिनेशन के लिए कहते हैं कि डिजॉल्व्स डिफ्यूजन एंड डिसिपेट्स, फैंसी के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया फिक्सिटीज और डेफिनिटीज। तो ये जो दोनों चीजें हैं कि इमेजिनेशन को फैंसी को लेके बात किसने किया, कॉलेज ने किया। किस किताब में किया? बायोग्राफिया लिटेरिया में किया। ये किताब कब आती है? 1817 ईस्वी में आती है। इमेजिनेशन के लिए उन्होंने क्या कहा था? ये डिजॉल्व्स डिफ्यूजन एंड डिसिपेट्स। फैंसी के लिए कौन सा वर्ड था? फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। उन्होंने फैंसी के लिए जो वर्ड यूज किया फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, फिक्सिटीज और डेफिनिटीज उन्होंने वर्ड यूज किया है। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स ही गेट, और जब आप उन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं या उन सारी चीजों को पाते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि उन्होंने एक बात बताई कि जब आप इमेजिनेशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन दो तरह से होता है, एक प्राइमरी इमेजिनेशन और एक सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है यह कॉमन पीपल में पाया जाता है, और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है यह पोएट में पाया जाता है। क्रिएटिविटी किसमें होती है? सेकेंडरी इमेजिनेशन में होती है। सो बहुत छोटा सा, लेकिन उस छोटे से टॉपिक में मेन पर्पस यही था कि प्रोज ऑफ रोमांटिक एज। तो जो प्रोज ऑफ रोमांटिक एज है वह जो है किसके रूप में देखने को मिलता है? लैम के रूप में, जो उनके एसेज हैं। थॉमस डी क्विंसी के रूप में देखने को मिलता है, जिन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर में बांटा। इसके अलावा जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, इसके अलावा आपने देखा कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो 1800 ईस्वी में आता है, जिसमें उन्होंने बात किया था किसको लेकर के बात किया हुआ था, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोइटिक डिक्शन, रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल, और पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ऑफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसके अलावा कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सो नाउ वी हैव डन, आज वैसे भी 50% भी लोग नहीं हैं, तो एक जनरल जानकारी मैंने आपको दी है। इसका मतलब ये है कि जब आज आप पढ़ेंगे तो लैम को ही नहीं पढ़ेंगे, लैम के अलावा वर्ड्सवर्थ का वह हिस्सा पढ़ेंगे जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड का है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड के अलावा आप कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया पढ़ेंगे, और थॉमस डी क्विंसी मैंने आपको बता दिया, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। तो आपको थॉमस डी क्विंसी, आपको चार्ल्स लैम, आपको वर्ड्सवर्थ का केवल और केवल प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, और कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया। I think now you are in position to understand what the message I have given and what the homework I have given to you. You have to go with these points, remember it, and there is a slight chance ki ho sakta hai sham ki class na ho paaye, there is a slight chance. Phir bhi agar hoga to main aapko message pehle drop kar dunga, agar nahi hoga to koi baat nahi hai. और अगर आज शाम को क्लास नहीं होगी तो सीधे क्लास कल शाम को होगी, कल मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं, मैं कल से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेके हमने बात किया है। नाउ आई थिंक कि यू ऑल हैव टू एंजॉय द डे, बिकॉज कुछ एरिया में आज इलेक्शन है, जिसमें से मेरे भी एरिया में है, एंड यू विल कम टू नो कि नाउ यू हैव टू गो विद योर होमवर्क विच आई हैव गिवन, प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, बिकॉज कल तो नहीं, जब अगर हम लोग परसों मिलेंगे तो आई विल कम विद चार्ल्स लैम को और उसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स को लेके हम बात करें। नाउ कंक्लूडिंग दिस सेशन।